क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। स्थायी कमीशन से वंचित नौसेना अफसरों को सेवा मुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। नई फसल अपनाने वालों को मिलेगा विशेष लाभ, आयात निर्भरता घटाने और किसानों की आय बढ़ाने को मिलेगी प्राथमिकता। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर, बीजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश में जारी रहेगा ठंड का कहर, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। सरकार को भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शर्तों से हटाने की अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया सामने। चंद्रशेखर रावण का अखिलेश पर हमला, कहा दलितों को सम्मान नहीं देना चाहती है सपा। बसपा ने 5वें चरण के 61 प्रत्याशियों की जारी की सूची, ब्राह्मणों पर लगाया बड़ा दांव। यूपी में सभी वयस्कों को लग गई टीके की पहली डोज, 26.13 करोड़ वैक्सीन लगाकर देश में अव्वल। अयोध्या में मंदिर निर्माण का सपना साकार होता देख रहे राम भक्त, चंद मिनटों में दिखती है निर्माण की पूरी प्रक्रिया। शादी का झांसा देकर युवती को बेचने की थी तैयारी, बहराइच में 3 महिलाओं समेत 5 मानव तस्कर गिरफ्तार। जापान एयरफोर्स का लड़ाकू विमान F-15 रडार से हुआ गायब, दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ ग्रेनेड हमला, विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों समेत 17 घायल। पहली बार यूएई लगाएगा कॉरपोरेट टैक्स 9% की दर से, अगले साल 1 जून से होगा लागू। लिथुआनिया विवाद में चीन के खिलाफ डब्ल्यूटीओ पहुंचा, यूरोपीय संघ दर्ज कराई शिकायत। साओ पाओलो में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 9 लोगों की मौत। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की महिलाओं के बीच जोरदार हुआ दूसरे वनडे, सुपर ओवर में हुआ फैसला। अंडर 19 वर्ल्ड कप में यूएई टीम ने आयरलैंड को हराकर रचा इतिहास। पीआर श्रीजेश ने जीता विश्व खेलों का सर्वश्रेष्ठ एथलीट अवार्ड, पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। रोहित शर्मा का वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ है शानदार रिकॉर्ड, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के हैं करीब। कप्तानी छोड़ने के बावजूद विराट के लिए कुछ भी नहीं बदलता है, गंभीर बोले भारत के लिए खेलना सम्मान की बात। कंगना ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर कसा तंज, बोली कर्म का फल भुगतना पड़ता है। टॉम हॉलैंड और जेंडिया ने लंदन में खरीदा घर, इनके रेनोवेशन में करने वाले हैं 2.5 करोड़ खर्च। अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म राम सेतु की शूटिंग हुई पूरी, दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म।
महान शेट्टी ने नेपोटिज्म पर दिया बड़ा बयान, कहा फिल्में पापा के नाम पर नहीं मिलती। तेजस्वी प्रकाश की हुई नागिन सिक्स में एंट्री, शिल्पा शेट्टी ने किया रिएक्ट। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।